विवादों के बीच से बड़ी खबर है कि आज गोंडा में ब्रजभूषण चरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बड़ी खबर गोंडा से, गोंडा के नंदिनी नगर कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। लेकिन इसी विवादों के बीच आज गोंडा में ब्रजभूषण चरण सिंह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तमाम बयानों के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत है। ऐतिहासिक गांव सोरम में दोपहर 12 बजे सर्व खाप पंचायत होनी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के खाप चौधरी इसमें शामिल होंगे। सोरम पंचायत में कोई बड़े फैसले लिए गए हैं इतिहास में, ऐसे में आज की पंचायत में भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है, इस बात के आसार जताए जा रहे हैं। खाप पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो सोरम में चौपाल बुलाया गया है और सभी खापों के चौधरी इसमें शामिल होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ये माना जाता है कि सोरम की खाप पंचायत ऐतिहासिक रहती है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनु शर्मा का, सोरम से ही जुड़े हैं वो, जहां पर सुबह से हम आपको एबीपी गंगा पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब तो लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। 12 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है, क्या कुछ देख पा रहे, बातचीत कर पा रहे सनु जाप? देखिए, जो खाप के मुखिया है, पंचायतों के मुखिया है, उनका आना जाना शुरू हो गया है और उनका जोश देखना है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से बेहद गुस्से में है, बेहद तल्ख तेवरों में जो खापों के मुखिया हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, वो इसी तरीके से यहाँ पर जो सौरम, मुजफ्फरनगर के सौरम में जो सर्व खाप पंचायत होने जा रही है, उस पंचायत में यहाँ पर ये लोग पहुँच रहे हैं। लोगों के आने के जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, सुरक्षा के भी बेहतर पुख्ता इंतजाम है। और यहाँ जो खापों के मुखिया आए हैं, आप ये देखिए कि जो दिल्ली ग्राम पंचायत है उसके जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? जी, शांति स्वरूप, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम विकास पंचायत। जिस तरीके से देख रहे हैं तमाम मुखियाओं को, पंचायतों के मुखियाओं को बुलाया गया है, क्या लग रहा है आज आप लोगों को? आज ये सर्व खाप पंचायत सोरम में बुलाई गई है बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, और उनके जो मेडल थे, जिन मेडलों को गंगा में वो बहाने जा रही थी, वो पूरे देश का सम्मान था, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। और ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज पूरे भारतवर्ष के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेता, जो आपने पीछे मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि हमने मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री से जब ये सवाल पूछा मीडिया के साथियों ने कि आप जो है बेटियों के बारे में बोलो, तो उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया और वो भागती हुई नजर आई। आज केवल एक मंत्री का हश्र नहीं है, हम देख आप देखोगे आने वाला समय ऐसा होगा कि आज ये बेटी किसी एक जात की नहीं है, बेटी जो है 36 बिरादरियों की बेटी है और हम उसके सम्मान के लिए आज यहाँ सर्वखा पंचायत में आए हैं। ये ट्रैक्टर कहाँ जा रहा है? ये ट्रैक्टर जो है दिशा तय करेगा, दिल्ली की तरफ जाएगा और ये बताएगा कि आज सर्वखा पंचायत ने जो फैसला लिया है उसे हम दिल्ली की तरफ बोलने जा रहे हैं। आपके माध्यम से, गंगा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, उस कानून व्यवस्था पर भी आज प्रसन्नचिन्ह है। आज इस सर्व खाप पंचायत के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्रशासन जागे और तुरंत ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करके न्याय दे बेटियों को, बेटियों को न्याय दे। ताऊ जी, क्या लग रहा है आपको भाई? सब लोगों की नजरें टिकी हैं और सोरम के लिए तो इतिहास है यहाँ का कि बड़े फैसले, तो क्या बड़ा फैसला? सबसे पहले तो सोरम को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद जो न्याय की बात है, बेटियों को सम्मानजनक तरीके से अपनी जगह से, जो उन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए, कम से कम उनको न्याय तो मिले। ये जो मेडल गंगा में बहाए जा रहे हैं, ये समझो कि हमारे रतन जो हमारे देश के, उनको डुबोया जा रहा है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा सम्मान गंगा में जाए। अच्छा, सम्मान गंगा में जाए। सर, क्या लग रहा है, क्या रहेगा आज? रहेगा आज बिल्कुल न्याय के मूड में हम सब हैं और जितने हम खाप के पंचायत के जितने मेंबर, अध्यक्ष वगैरह जो आए हैं यहाँ, वो एक निर्णय लेने के लिए यहाँ हम एकत्रित हुए हैं और इस निर्णय का जरूर कुछ ना कुछ हल निकलेगा और हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ हद तक जा सकते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी जो बात है
वो लोगों तक पहुंचाई, और इसलिए हम हर देश पूरे देश में क्या संसार में हम इस चीज़ की प्रशंसा मोदी जी की करेंगे कि वो इतने निकम्मे आदमी हैं कि इन्होंने बहन बेटियों की कोई बात नहीं सुनी, और हमारे जितने जो भी भाई पहलवान है या कोई वैसे ग्रामवासी हैं जो गए हैं उनका आदर नहीं किया। ये उनके पास हम ये निर्णय आज यहाँ लेंगे, और जो निर्णय यहाँ होगा उसमें हम सक्रिय रहेंगे। सर ये कह रहे हैं कि जो भी निर्णय होगा मान्य? बिल्कुल एकदम मान्य होगा। देखिए एक इसमें सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक मीटू के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, और जहाँ पर एक हमारे खिलाड़ी जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं बाहर भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ग्लोबल में एक पहचान होती है, और वो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एलिगेशन लगाया है, और आज तक गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि कोशिश भी नहीं की अगर भी जो पहलवान लोग वहाँ पर जंतर मंतर पर बैठे हैं उनसे आके डिस्कस भी कर ले। सर ब्रजभूषण शरण सिंह तो ये कह रहे थे कि गंगा में मेडल बहाने से मुझे फांसी थोड़ी दिला दें। देखिए ब्रजभूषण सिंह जी क्या कह रहे थे, वो तो बिल्कुल ऐसी बातें करते हैं जो देश हित में नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अभी आपने देखा होगा मीटू के माध्यम से एमजे अकबर का जो केंद्र में मंत्री थे उनका इस्तीफा हो गया, लेकिन आज इस तानाशाही की सरकार ने एक जो उनका कुलीग है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केवल उसको जो है बचाने का काम आज ये कर रहे हैं। तो इसमें कटघरे के अंदर देश के प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री आते हैं। हम इन दोनों से मांग करते हैं कि समय रहते हुए आज जो आपने अपना निर्णय लेना है और 5 दिन का जो टाइम दिया है इस 5 दिन के अंदर अंदर फैसला ले ले, अन्यथा देश एक नई दिशा तय करेगा, और उस दिशा के अंदर मैं आज कहना चाहता हूं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने और देश के विपक्ष के नेताओं ने आज ये तय कर लिया है, कांग्रेस की सी हमारी प्रियंका गांधी ने जो फैसले लिए हैं वो फैसले देश हित में होंगे, आगे आने वाली आज की पंचायत जो तय करेगी हम उसका समर्थन करते हुए। सनु जो बातचीत तो चल रही है, जरा तस्वीरों को दिखाइए, वो जो पंडाल आप सुबह दिखा रहे थे अभी और मंच की तस्वीरों को दिखाते दिखाते बातचीत करिए ताकि अंदाजा लगे दर्शकों को कि किस लेवल पर आज खाप पंचायत होने वाली है। हाँ देखिए जिस पंडाल की आप बात कर रही हैं वो पंडाल यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, चूंकि सोरम में पंचायत हो रही है, जगह जगह जो खापों के मुखिया हैं पंचायतों के मुखिया हैं उनको यहाँ पर रोका गया है, पूरे गांव में इसी तरीके की व्यवस्थाएं की गई, और वही व्यवस्थाएं मैंने दिखाई कि देखिए किस तरीके से कोई ट्रैक्टर से आया है, कोई यहाँ ट्रैक्टर पर आके बैठा है, जगह जगह देखिए जो गांव के तमाम इलाके हैं, तमाम बड़े बड़े गांवों में कहा जाता है एक घर होता है और एक घेर होता है, उन घेरों में किस तरीके से व्यवस्था की गई है, लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे और यहाँ से बैठने के बाद फिर एकजुट होकर यहाँ से सीधे पंडाल के लिए यहाँ से रुक कर जाएंगे, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो खापों के मुखिया पंचायतों के मुखिया पहुँचे हैं वो किस तरीके से बेहद तल और बेहद यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं, और इनके गुस्से से उठी जो आंधी है आज वो ये तय करेगी कि आखिर सोरम की पंचायत में खापों के मुखिया क्या निर्णय लेने जा रहे हैं और वो निर्णय क्या होगा, उस पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि ये निर्णय ये तय करेगा कि आखिर जो पहलवान है उनके आंदोलन का रुख क्या होगा, उनके आंदोलन की जो कूच है वो कहां पर होगी, इस आंदोलन की गूंज नजर बना करके रखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।